नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारे पास एक सैमसंग S10 Plus है। मोबाइल को आप देख सकते हैं कि मोबाइल S10 Plus है, सैमसंग का फोन है ये। इसमें ना कर्व ग्लास किस तरह से फिट किया जाता है, तो ये किस तरह से लगाया जाता है ये करके अभी दिखाया जा रहा है आपको, कि आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया जा रहा है। तो चलिए लगाइए। सबसे पहले इसका स्पीकर को आपको कवर करना है टेप के द्वारा, नहीं तो अगर आप इस पे यूवी ग्लू डालोगे तो वो ग्लू क्या होगा ना कि आपके स्पीकर के अंदर चला जाएगा और आपके साउंड बंद हो जाएगा। और अच्छी तरह से आपको इसको क्लीन कर लेना है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इस वीडियो से ये समझ पाए कि आज के जितने भी लेटेस्ट फोन है मार्केट में, जिसकी स्क्रीन की प्राइस 16,000, 17,000, 18,000 रुपये है, आप उस पर अगर एक कोई भी ग्लास भी लगाते हो तो आप किस तरह से लगाओगे, क्या सावधानी आपको रखनी है, ठीक है। क्योंकि इस ग्लास को लगाने का कस्टमर आपको अच्छी प्राइस भी पे करता है, तो आप इसे अच्छी तरह से पहले क्लीन करोगे। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्लीन करनी है, जितना भी अच्छा तरह से हो सके आप इसे क्लीन कर लीजिए। अब इस पे यूवी ग्लू दिया गया है, जो यूवी ग्लू है इस पे ये ग्लू दिया गया है। इसका जो ग्लास है वो कर्व है। ग्लास का स्टिकर आपको अच्छी तरह से निकाल लेना है। अलाइनमेंट आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। धीरे धीरे ये ग्लू देखिए कि एक दूसरे में ज्वाइंट हो रहा है। अब इस पे जो यूवी टॉर्च है, यूवी लाइट इस पे दिया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम आप देंगे, ये धीरे 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 हर जगह फैल जाएगा। इस एयर को धीरे धीरे करके आप आगे निकाल सकते हैं। डिक्लाइन
और बाद में आपको सफाई कर लेना है, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और जो आपने स्पीकर पे जो आपने टेप लगाया था वो टेप आपको निकाल लेनी है। ठीक है, देखिए एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ग्लास किस तरह से इस पे लगाया गया। चलिए एवरीवन, थैंक यू। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प हो जाएगा कि कभी भी आप इस महंगे फोन में ग्लास लगाने का कोशिश करें तो आप इस वीडियो को देख करके करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें।